बांग्लादेश में निजाम बदला, अंतरिम सरकार के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर मोहम्मद यूनिस ने सत्ता संभाल ली, पर पड़ोसी मुल्क में हालात नहीं बदले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नई सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार रुकेगा? आखिर बॉर्डर पर कैसे कट रहे हैं हिंदुओं के दिन? पहले एक रिपोर्ट देखिए। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব। বাংলাদেশ মে তখ্তা পলট কে 72 ঘন্টে বাদ অন্তরিম সরকার বনি, লেকিন সবসে বড়া সওয়াল, ক্যা হিন্দু সুরক্ষিত হোঙ্গে? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार ने कमान संभाली, लेकिन सवाल फिर वही, क्या हिंदुओं पर हमले रोकेंगे? पेशे से अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान तो संभाल ली, लेकिन बांग्लादेश के प्रमुख का ये पद कांटों भरे ताज से कम नहीं है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश में हालात संभालने की बजाय और बिगड़ गए। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, पूर्व सेना अधिकारियों के घरों को जलाया जा रहा है, आंदोलन के नाम पर अब भी लूट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया को बधाई देने के साथ ही उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी कहा जिन चुनौतियों से बांग्लादेश फिलहाल गुजर रहा है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतरिम सरकार के मुखिया का पद संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अपनी प्राथमिकताएं बताई और दावा किया कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों का आंदोलन से कोई नाता नहीं है। এর মধ্যে আমরা শুনলাম, আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষ মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমেরিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ, এগুলো আমাদের বিষয় না। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা। बांग्लादेश में चुनौती बड़ी है, सरकार पर जिम्मेदारी बड़ी है, लिहाजा अब अंतरिम सरकार से उम्मीद यही है कि हालात जल्द ही सामान्य होंगे। और बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत को अब समझ लीजिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना देश छोड़कर आ चुकी है। सेना ने अंतरिम सरकार का गठन कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ भी ले ली है, लेकिन अब भी बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुआ प्रदर्शन अब हिंदू विरोधी आंदोलन के रूप में आग लगा रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार टेलीविजन पर आ रही हैं, हम दिखा रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जलाने की तस्वीरें आ रही हैं, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे डर है कि काफी संख्या में हिंदू भारत आना चाहते हैं। हालत पर नजर रखने के लिए भारत सरकार ने भी कमेटी का गठन कर दिया है। अब जरूरी है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए।